हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉन गार्सफील्ड की पूरी लाइफ को। हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ क्विक फैक्ट्स, इनकी अर्ली लाइफ, इनकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकी पर्सनल लाइफ को। चलिए मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद। पहले कुछ क्विक फैक्ट्स। इनकी बर्थ डेट है 14th अगस्त 1867। नेशनैलिटी है अमेरिकन। इनको जॉनसन जॉन या जॉन गार्सफील्ड ओम के नाम से भी जानते हैं। इनके मरे थे 65 की एज में और इनका जन्म हुआ था किंगस्टन अपॉन टेम्स पर, यानी थेम्स जो नदी है उसके ऊपर किंगस्टन नाम की जगह पर। ये इनकी जो वाइफ हैं, स्पाउस जो थी उनका नाम था एडा पियर्सन और ये जनवरी 31, 1933 को इनकी डेथ हुई थी और ये इनकी डेथ हुई थी हेम्पस्टेड में। जॉन गार्सफील्ड एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और प्लेराइट थे जिन्हें 1932 में लिटरेचर का नोबल प्राइज दिया गया था। ये एक अमीर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। इन्होंने लॉयर बनने की पढ़ाई की थी लेकिन जैसे ही इनके पिता की मृत्यु हुई इन्होंने अपना करियर बदला और इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले जॉन गार्सफील्ड सुडोनिम से चार किताबें लिख चुके थे, यानी छद्म नाम से, ठीक है, यानी जिसमें उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। इनकी ज़्यादातर रचनाओं में अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उस वक्त में, वो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं पर बेस्ड कहानियाँ लिखा करते हैं। गार्सफील्ड अपनी राइटिंग्स में वुमेन्स राइट्स और एनिमल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में भी लिखा करते थे। उनका एक प्ले है जस्टिस, जिसमें उन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में भी लिखा है। 1917 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था लेकिन उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि किसी भी लेखक के लिए लिखना ही उसका सबसे बड़ा अवार्ड होता है। लेकिन बाद में उन्होंने दो अवार्ड्स को एक्सेप्ट किया था, एक था ऑर्डर ऑफ मेरिट, दूसरा नोबल प्राइज। जॉन गार्सफील्ड ज़्यादा बातूनी नहीं थे, ज़्यादा सोशल नहीं थे, उनके बहुत कम फ्रेंड हुआ करते थे लिटरेरी सर्कल में। चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। जॉन गार्सफील्ड का जन्म 14th अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल के एक अमीर परिवार में हुआ। इनके एंसेस्टर्स यानी इनके पूर्वज डिवॉनशायर से आते थे और किसानी किया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनके परिवार वालों ने खूब पैसा कमाया और जब जॉन गार्सफील्ड पैदा हुए तो इनके पास बहुत सा पैसा था और इनका शिपिंग बिजनेस भी था। इनके पिता का नाम भी जॉन गार्सफील्ड था, जो एक जाने माने सॉलिसिटर थे और एक कंपनी के डायरेक्टर थे जो कंपनी लंदन में थी। इनके पिता बहुत ही चार्मिंग थे और हमारे गार्सफील्ड जो हैं वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा माना करते थे, उनको आइडलाइज किया करते थे। जॉन गार्सफील्ड की मम्मी ब्लांशे बैली गार्सफील्ड बहुत रिलीजियस औरत थी। जॉन गार्सफील्ड अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन घर पे ही ट्यूटर्स से स्टार्ट की थी लेकिन जल्दी ही उन्हें 9 साल की उम्र में बाउनेमाउथ नाम की जगह पर एक स्कूल में डाल दिया गया। इसके बाद गार्सफील्ड हैरो गए, एक स्कूल का नाम है, जहाँ पर उन्होंने अपनी एथलीट के रूप में एक बेहतरीन पहचान बनाई। हैरो से पास आउट होने के बाद जॉन गार्सफील्ड का एडमिशन न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। 1889 में उन्हें न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर वो बाहर निकले और उनके पास डिग्री थी ज्यूरिसप्रूडेंस की, यानी लॉ की डिग्री थी, वो भी एक वकील बन गए थे। 1890 यानी अपने डिग्री लेने के अगले साल वो कोर्ट गए, वहाँ पे प्रैक्टिस करी, लेकिन वो मैरीन लॉ में यानी समुद्री नियमों में स्पेशलाइजेशन चाहते थे और अपनी फैमिली के बिजनेस को भी ज्वाइन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये काम किया और अपनी फैमिली के शिपिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इन समुद्री यात्राओं से एक चीज़ गार्सफील्ड की ज़िंदगी में हुई, गार्सफील्ड मिले जोसेफ कॉनराड से, जो आगे जाकर एक बेहतरीन राइटर बने, सेलिब्रिटी राइटर बने और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। ये वही समय था जब गार्सफील्ड अपने खुद के प्लेजर के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी इन्होंने शुरू कर दी थी। 1897 से 1901 तक गार्सफील्ड ने अपने एक सिडोनिम नेम से,
जॉन सेंट जॉन के नाम से 4 किताबें छपवाई अपने ही पैसे लगाकर। 1897 में जो पहली किताब इनकी छपी थी वो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स। 1888 में जॉसलिन नाम की एक किताब छपी जो इनकी पहली फुल नॉवल थी। उसके बाद विला रूबिन छपी 1900 में और उसके बाद अ मैन ऑफ डिवॉन छपी 1901 में। ये वो 4 किताबें हैं जो जॉन गाल्सवर्दी ने जॉन सेंट जॉन के नाम से छापी थी। गाल्सवर्दी के पापा की जो मौत थी वो 1904 में हो गई थी। अपने पिता की मौत के बाद जॉन गाल्सवर्दी को उनकी सारी जायदाद मिल गई और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। अब पैसे के लिए उनको परेशान नहीं होना पड़ता था। अब उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि वो इस बिज़नेस के लिए नहीं बने हैं और उन्होंने अपना लॉ छोड़ दिया और फुल टाइम राइटर बनने की सोच ली। करियर 1904 में गाल्सवर्दी ने अपने खुद के नाम से अपनी पहली नॉवल छापी जिस नॉवल का नाम था द आइलैंड फेरोसीज। ये कहानी थी एक ऐसे अनयूजुअल जवान लड़के की जिसका नाम था रिचर्ड शेल्टन। गाल्सवर्दी इस नॉवल को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट नॉवल मानते हैं। 2 साल बाद 1906 में गाल्सवर्दी ने अपना पहला प्ले, देखिए पहले उन्होंने अपना पहला नॉवल छापा था, अब ये पहला प्ले है। इन्होंने अपना पहला प्ले 1906 में पब्लिश करा जिसका नाम था सिल्वर बॉक्स। इसमें बताया गया है कि जस्टिस कितने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखता है अमीरों और गरीबों के लिए। जब एक गरीब आदमी चोरी करता है तो लोगों के मिजाज अलग होते हैं, जब एक अमीर आदमी चोरी करता है तो लोगों के मिजाज अलग होते हैं। इस प्ले को क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। 1906 में ही इन्होंने मैन ऑफ प्रॉपर्टी नाम से एक अपनी रचना को पब्लिश किया था जो बाद में इंक्लूड हो गई थी इनकी फेमस ट्रायलॉजी द फॉरसाइट सागा में। द फॉरसाइट सागा में जो ट्रायलॉजी है 3 नॉवेल्स का एक ग्रुप है। इन तीनों नॉवेल्स में गाल्सवर्दी ने अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर कटाक्ष किए हैं। ये वही क्लास है जिससे खुद गाल्सवर्दी भी बिलोंग करते थे। इसके बाद जॉन गाल्सवर्दी ने अलग अलग नॉवेल्स, अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज और बहुत से प्ले लिखे। इस वक्त वो एक नॉवलिस्ट के रूप में ज़्यादा फेमस थे, पहले उन्हें प्लेराइट के रूप में ज़्यादा जाना जाता था। 1907 में इन्होंने एक प्ले लिखा था स्ट्राइफ। ये इनका सबसे सक्सेसफुल प्ले रहा। इसमें कहानी है कि किस तरह से लेबर और कैपिटल ग्रुप एक दूसरे का सामना करते हैं और अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिशें करते हैं। स्ट्राइफ से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग घटना यह है कि स्ट्राइफ को शुरुआती दौर में सभी थिएटर मालिकों ने मना कर दिया था कि इस प्ले में कोई जान नहीं है, हम इसे अपने थिएटर्स में नहीं चलाएंगे। लेकिन 9th of March 1909 को ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर में सबसे पहली बार इसको खोला गया और इसको अच्छे रिव्यूज़ मिले। और जैसे जैसे ये इस थिएटर में चलता रहा वैसे वैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और ये गाल्सवर्दी का सबसे सक्सेसफुल प्ले रहा। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्ट्राइफ प्ले को कई बार टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउसेज ने अपनाया और कई नाटक इस प्ले पर बन चुके हैं। अपने नॉवेल्स में, अपने प्लेज में गाल्सवर्दी हमेशा ही कोशिश करते हैं कि समाज में होने वाली बुराइयों और जो इनकी शिकायतें हैं समाज से उनको लिखते रहें। 1910 में यानी 1910 में इन्होंने जस्टिस लिखा और ये जो जस्टिस इन्होंने लिखा ये एक कैंपेन था वहाँ की जेलों को रिफॉर्म करने का। इस नॉवल में जेल के अंदर के जीवन को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है और ये फीलिंग जब आप इस नॉवल को पढ़ते हैं ऐसी फीलिंग जगती है जैसे आप खुद जेल के अंदर हों। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था तो गाल्सवर्दी ने भी ट्राई किया था कि वो मिलिट्री ज्वाइन करे लेकिन उसे मना कर दिया गया था। तो गाल्सवर्दी ने देश की सेवा के लिए एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया फ्रांस में और वहाँ पर अपनी राइटिंग को भी जारी रखा। 1917 में जॉन गाल्सवर्दी को प्राइम मिनिस्टर डेविड एल लॉयड जॉर्ज ने नाइटहुड की उपाधि ऑफर की थी लेकिन जॉन गाल्सवर्दी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक राइटर के लिए सिर्फ लिखना ही उसका सबसे बड़ा अवार्ड होता है। 1921 में गाल्सवर्दी ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर पैन इंटरनेशनल नाम का एक क्लब बनाया जो एक इंटरनेशनल क्लब था सभी ऑथर्स के लिए और ये इस पैन इंटरनेशनल के पहले प्रेसिडेंट बने। ये 1932 तक इसके प्रेसिडेंट रहे। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद H.G. वेल्स पैन इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बने थे। मेजर वर्क्स जॉन गाल्सवर्दी को अगर सबसे ज़्यादा याद किया जाता है तो वो उनकी ट्रायलॉजी द फॉरसाइट सागा के लिए याद किया जाता है।
इसे पहली बार पब्लिश किया गया था फॉरसाइट सागा नाम से 1922 में। दरअसल ये 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स की एक सीरीज है जिसे 1906 से 1921 के बीच पब्लिश कराया गया था। इस ट्रायलॉजी में एक खानदान की 3 जनरेशन की कहानी है। ये बिल्कुल इसी तरह की कहानी है जिस तरह से जॉन गार्सवर्दी का परिवार रहा करता था। 1920 में पब्लिश हुआ द स्किन गेम और 1922 में पब्लिश हुआ लॉयल्टीज़ इनके जाने माने प्लेज हैं। लॉयल्टीज़ को तो एक ही दशक में 2 बार फिल्मों में ढाला गया है। गार्सवर्दी लॉयल्टीज़ को अपना बेस्ट प्ले माना करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये इकलौता उनका ऐसा प्ले था जिसको लिखते वक्त उन्हें ये बात पता थी कि कोई भी थिएटर मैनेजर इस प्ले को मना नहीं करेगा। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। 1919 में जॉन गार्सवर्दी को बेल्जियन पामस डी ऑर का अवार्ड मिला था। जून 3, 1929 को उनको अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट का किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के जो राजा रहे हैं उस वक्त, और इससे पहले उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को ठुकरा दिया था। 1932 में जॉन गार्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, और वो उस वक्त इतने बीमार थे कि वो नोबेल प्राइज़ को लेने के लिए स्टेज तक नहीं पहुंच पाए थे, और इस नोबेल प्राइज़ की घोषणा के 6 हफ्तों के अंदर ही जॉन गार्सवर्दी की मौत हो गई थी। पर्सनल लाइफ एंड लेगेसी। जॉन गार्सवर्दी और एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के बीच 1985 में एक लव अफेयर शुरू हुआ था, और ये लव अफेयर पियर्सन के साथ इस बात के बावजूद था कि एडा पियर्सन जो है इनके फर्स्ट कजिन मेजर आर्थर गार्सवर्दी की बीवी थी। ये 10 सालों तक चुपके से डिवॉन के एक फार्म हाउस में मिला करते थे। ऐसा कहा जाता है कि फॉरसाइटिस सागा की इरीन का जो कैरेक्टर है वो एडा के कैरेक्टर से ही मेल खाता हुआ है। 23 सितंबर 1905 को दोनों ने शादी कर ली। एडा की डाइवोर्स हो चुकी थी, डाइवोर्स के बाद ही दोनों ने शादी की थी। गार्सवर्दी और एडा का कोई बच्चा नहीं हुआ, और ये दोनों साथ रहे जब तक गार्सवर्दी 1933 में मर नहीं गई। अपने जीवन के आखिरी दिनों में जॉन गार्सवर्दी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और 31 जनवरी 1933 को लंदन में इनके घर में इनकी मौत हो गई थी। उनकी बॉडी को क्रिमेटेड किया गया, और उनकी बॉडी की राख को साउथ डोवंस में एक चौक हिल्स है उसके ऊपर से चारों ओर बिखेर दिया गया। इनकी याद में एक मेमोरियल बनवाया गया हाईगेट न्यू सिमेट्री नॉर्थ लंदन में। इनके लिए एक मेमोरियल और बनवाया गया था, और ये बनाया था एक जाने पहचाने आर्टिस्ट एरिक गिल ने, और इस मेमोरियल को रख दिया गया था इनके कॉलेज, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आज भी है ये। किंगस्टन में एक रोड और एक हॉस्पिटल का नाम आज भी गार्सवर्दी के नाम पर है। जो किंगस्टन यूनिवर्सिटी है उसकी एक बिल्डिंग का नाम भी जॉन गार्सवर्दी के नाम पर रखा गया है। गार्सवर्दी की मौत के बाद इनके जो वर्क्स थे, इनके प्लेज और नॉवेल्स जो थे, उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई थी। लेकिन एक बार बीबीसी ने द फॉरसाइट सागा का टेलीविज़न अडेप्टेशन किया 1967 में, और इसको देखने के बाद लोगों के मन में दोबारा से जॉन गार्सवर्दी और उनके नॉवेल्स एंड प्लेज का जज्बा जग गया। सो आई होप आपको जॉन गार्सवर्दी का पूरी लाइफ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4 काम जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। आप मुझे पैट्रियन पर सपोर्ट करें और इंस्टा पर फॉलो जरूर करें।